हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यूपी और बिहार में बनाए जाने वाले छठ पूजा स्पेशल ठेकुआ की रेसिपी। यूपी और बिहार में इसे छठ पूजा में प्रसाद के रूप में बनाया जाता है। आप इसे नॉर्मली ऐसे भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, कभी आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं तो आप इसे बनाकर लेके जा सकते हैं। ये जल्दी खराब नहीं होता और बहुत ही खस्ता एकदम बिस्किट के जैसा बनके तैयार होता है। तो आज की जो है हमारी स्पेशल रेसिपी है, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक बाउल ले रही हूँ। पहले हम चीनी का घोल तैयार करेंगे और मैं इसमें ले रही हूँ 1/4 कप चीनी, और इसी कप से मैं इसमें 1 कप पानी ले रही हूँ। 1/4 कप चीनी में 1/4 कप पानी। पानी हल्का गुनगुना है, आप ठंडा पानी नॉर्मल जो रहता है वो भी ले सकते हैं, गर्म पानी कोई जरूरी नहीं है। चलाते हुए चीनी को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे साइड में रख लेंगे, तब तक ये चीनी थोड़ा मेल्ट होती रहेगी। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ थाली, और मैं इसमें ले रही हूँ 1 कप गेहूं का आटा। मैं गेहूं के आटे से बना रही हूँ क्योंकि ये हेल्दी बनेगा और गेहूं के आटे से ही बनाया जाता है जो छठ पूजा का प्रसाद होता है। 2 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट और 2 बड़े चम्मच यहाँ पे मैंने लिया है सूजी। सूजी आप बारीक वाला लेंगे तो आपका जो ठेकुआ है ना बहुत ही खस्ता बनेगा। अगर बारीक वाली सूजी ना हो तो मोटी वाली सूजी को आप ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड कर सकते हैं। और इस रेसिपी को आप मैदा और आटा मिक्स करके भी बना सकते हैं हाफ हाफ क्वांटिटी में। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ले रही हूँ मोइन के लिए घी। इसे खस्ता बनाने के लिए हमें मोइन लगाना है, तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच घी लिया है। आप इसमें घी या डलडा यूज करें तो हमारा जो ठेकुआ है बहुत ही खस्ता बनता है। ऑयल भी यूज कर सकते हैं लेकिन ऑयल से ये उतना खस्तापन नहीं आता जितना कि घी से आता है। अच्छे से चलाते हुए हाथों से मिक्स करेंगे आटे में। घी को अच्छे से ऑब्जर्व हो जाना चाहिए, इस तरह से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से हमारा जो आटा है हो जाना चाहिए, इस तरह से बनना चाहिए, ऐसा मोइन लगाना है। अब जो हमने चीनी और पानी का घोल बनाया है इसी से हम आटा गूंथेंगे। तो देखिए हमारी जो चीनी है पूरी मेल्ट नहीं हुई है, तो इसी तरह से हमें आटा गूंथना है। तो इसमें हम चीनी के साथ ही पानी को थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे, एक ही बार पूरा पानी नहीं ऐड करना है, और अच्छे से आटे में मिक्स करेंगे। आटा जो है हमें एकदम सख्त लगाना है, वैसे ये पूरा पानी जो है आटे में ऑब्जॉर्ब कर लेगा लेकिन हम थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे। तो कभी क्या होता है कि अगर पानी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाए तो इससे हमारा आटा गीला भी हो सकता है। तो देखिए मैंने चीनी और पानी का पूरा घोल आटे में ऐड कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से आटे के साथ मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा जो डो है एकदम सख्त बनाना है, बिल्कुल इस तरह से जैसे हम शक्कर पारा बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से सेम प्रोसीजर है। लेकिन शक्कर पारे में हम चीनी को पाउडर बना के डालते हैं या घोल बना के डालते हैं। यहाँ मैंने चीनी को थोड़ा सा खड़ा रखा हुआ था पानी में। हमारा जो डो है बन के रेडी हो गया है। अब हम इस तरह से छोटे छोटे से डो में से बॉल साइज के लेंगे और इस तरह से हाथों पे ऐसे प्रेस करते हुए हम इसे फ्लैट करेंगे। आप इसे गोल भी बना सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसे इस तरह से लंबे शेप में बना रही हूँ। मार्केट में ठेकुआ का मोल्ड भी मिलता है, आप चाहे तो ठेकुआ का मोल्ड लें और उसे ठेकुआ मोल्ड पे भी यह बना सकते हैं। अगर ठेकुआ मोल्ड ना हो तो इस तरह से हाथों पे प्रेस करते हुए बनाइए। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से बना के, और स्पून से इस तरह से मैं थोड़ा सा इस पर कट लगा दे रही हूँ, तो एक अच्छा सा इस पर जो है डिजाइन उभर कर आएगा और देखने में भी ये बहुत प्यारा दिखेगा। तो देखिए मैंने इसे इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया है और ये कितना परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। और हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है। बहुत ज़्यादा पतला रहेगा तो ये फ्राई करते समय टूट सकता है, बहुत ज़्यादा मोटा रहेगा तो ये कच्चा भी रह सकता है। तो इसकी जो थिकनेस है हमें मीडियम रखनी है। तो देखिए मैंने दूसरा ठेकुआ भी इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिया, एकदम परफेक्ट बन रहा है। और ये जो किनारों पे थोड़ी सी दरारें आ रही हैं तो इससे आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये हमारा जो ठेकुआ है एकदम परफेक्ट बन रहा है उसकी ये निशानी है। तो देखिए मैंने दूसरा ठेकुआ भी बनाकर तैयार कर लिया, ये एकदम खस्ता बन के तैयार होगी। और मैं आपको एक राउंड शेप का भी बना के दिखा दे रही हूँ। अगर आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते, राउंड शेप में बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से छोटा सा बॉल लेके हाथों से इस तरह से प्रेस कर लीजिए। और ये जो फॉग होता है ये तो सभी के घरों में होता है, तो इस तरह से चारों साइड से इसे हल्का हल्का सा प्रेस कर दीजिए, एक अच्छी सी डिजाइन जो है उभर कर आ जाएगी और ये देखने में बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो देखिए कितना परफेक्ट हमारा राउंड शेप का भी जो ठेकुआ है बनके तैयार हो गया है।
तो हमने सभी ठेकुआ बनाकर तैयार कर लिया है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने गैस पे ऑयल गर्म होने को रख दिया है। ऑयल को हम पहले थोड़ा चेक कर लेंगे। तो इस तरह से डो में से एक छोटा सा राई के दाने के बराबर डालिए और देखिए इस तरह से ये तेल में ऊपर आ रहा है, यानी जो हमारा तेल है एकदम परफेक्ट गर्म है। इसी तरह का ऑयल गर्म में रखना है। गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हम ठेकुआ को फ्राई करेंगे। हम इसे ऑयल में ऐड करेंगे लेकिन हमें इसे तुरंत उलट पलट नहीं करना है और इसे हमें बहुत ज़्यादा चलाना नहीं है। जब थोड़ा सा ये सिक जाए तो हम इसे एक साइड से पलट लेंगे। तो देखिए हमारा जो ठेकुआ है एक साइड से सिक चुका है और एक एक करके मैं इसे इस तरह से पलट ले रही हूँ। इसे हमें बार बार ऑयल में नहीं चलाना है क्योंकि ये इतना खस्ता बनता है कि आप बार बार इसे चलाएंगे तो ये टूट सकता है। तो इसे पलट के हम छोड़ देंगे और जब ये फिर से सिक जाएगा तो हम दूसरे साइड से पलट लेंगे। इस तरह से हमें दोनों साइड से धीरे धीरे से पलटते हुए गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे फ्राई कर लेना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे तो अच्छे से फ्राई भी हो जाएगा और अंदर से कच्चा बिल्कुल नहीं रहेगा। और ये खस्ता इतना बनता है, बिल्कुल बिस्किट के जैसा बन के तैयार होता है और आप इसे 15 से 20 दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो देखिए हमारा जो ठेकुआ है अच्छे से फ्राई हो चुका है और ये बहुत ही खस्ता बना है, आप देख के ही समझ सकते हैं। तो मैं इसे प्लेट में निकाल ले रही हूँ और जो बाकी का बचा हुआ ठेकुआ है हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो मैं इसे भी तेल में ऐड कर ले रही हूँ और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और ये भी हम लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। तो हमारे जो सभी ठेकुए हैं हमने इसे फ्राई कर लिया है। ये देखिए कितना परफेक्ट और ये बहुत ही खस्ता बन के तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। यूपी बिहार वाले लोग तो इसे छठ पूजा में ट्राई करेंगे ही, बनाएंगे ही, लेकिन अगर आप ऐसे भी बनाना चाहते हैं तो आप इसे जरूर बना के तैयार कर लें। और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना खस्ता बना है। बिल्कुल भी सख्त नहीं है, अंदर से एकदम मुलायम और ऊपर से एकदम खस्ता। ये देखिए हाथों से इस तरह से आप तोड़ के दिखाती हूँ, मसलने पर ही ये कितना देखिए एकदम से चूरा चूरा सा हो जा रहा है। तो आज की जो हमारी रेसिपी है आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए।